हेलो गेमर्स, वेलकम टू गेमिंग फर्स्ट। तो यार आज की इस वीडियो में हम रिप्लेस करने वाले हैं माइकल की ये वाली गाड़ी जो आप देख रहे हैं। तो यार बार बार ना इसी गाड़ी को देख देख के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि माइकल के पास में परमानेंट जो उसका व्हीकल है वो कोई दूसरा हो और एक रियल कार हो जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। तो आज का जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस तरीके से ये इस कार को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, उससे आप किसी की भी कार जो है वो चेंज कर सकते हैं। बस आपको उस कार का नाम पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। यानी कि नाम से मतलब है उस गाड़ी का असली नाम जो कि गेम के अंदर है। तो जैसे कि इस वाली, जब कोई भी गाड़ी के अंदर आप बैठते हैं, उस गाड़ी को लेते हैं, तो उस गाड़ी का नाम लिखा हुआ आता है, तो वो जो होता है गाड़ी का असली नाम होता है। और गेम के अंदर जो फाइल होती है वो भी उसी नाम से होती है। तो आज हम उसी को रिप्लेस करने वाले हैं और इसे रिप्लेस मेथड बोला जाता है। तो चलिए फटाफट से अपनी गाड़ी को रिप्लेस करते हैं। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना आने वाली वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए गाइस, सबसे पहले अपना मोड जो है उसको डाउनलोड करते हैं। और ये डाउनलोड कर रहे हैं, मर्सिडीज़ की गाड़ी है और रिप्लेस वाली है। अगर आपको रिप्लेस मेथड के साथ जाना है तो रिप्लेस वाली ही डाउनलोड करना। इस वाली गाड़ी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको एक्सट्रैक्ट करके हम नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये अपना नॉर्मल फोल्डर जो है वो हमें मिल चुका है, और इसके अंदर ही हमें फाइल जो है वो मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर एड ऑन की भी दी हुई है, और एड ऑन की फाइल अगर आप एड ऑन करना चाहते हो लेकिन हमें करना है रिप्लेस, तो रिप्लेस वाले के अंदर तीन फाइल्स होती हैं, वो हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब हमें जाना होगा ओपन आईवी में। तो ओपन आईवी ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो GTA 5 की सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो ओपन आईवी की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो यहाँ से अपना ओपन आईवी जो है वो स्टार्ट हो गया है। एडिट मोड में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हमें एक फाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है। बेसिकली इसके अंदर GTA 5 के मैन फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं X64 के नाम से, उनके आगे EFGH ये लगा हुआ होता है। तो हमें ई वाली फाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम उसको यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, उसको कॉपी करेंगे मोड फोल्डर में, क्योंकि अगर कभी उस फाइल में दिक्कत होती है तो हमें क्या होगा, हम उस फाइल को डिलीट कर देंगे। तो अगर मैन वाली को कर देंगे तो गेम ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हमने उसको मोड फोल्डर में कॉपी कर लिया। अब उसके अंदर जाएंगे, फिर लेवल्स के अंदर जाएंगे, फिर GTA 5 के अंदर जाएंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे vehicles.rpf। तो ये वाली जो फाइल है ये मेन फाइल है, इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, जितने भी आपके गेम के अंदर कार्स और बाइक्स जितने भी व्हीकल हैं वो सारे यहां पर उनकी फाइलें जो है वो मौजूद है। अब आपको जिसको भी रिप्लेस करना है आपको उसका नाम जो है वो सर्च करना है। तो उसी से आपको क्या करना होगा, उन फाइलों को जो गेम के अंदर पड़ी हुई हैं उनको तो डिलीट कर देना है। यहाँ पर देखिए मैं सर्च करता हूँ अपनी गाड़ी का नाम जो कि है टेलगेटर, जो माइकल की गाड़ी है उसका नाम है टेलगेटर। तो यहाँ पर तीनों फाइल जो है आपको मिल जाती हैं इसको सर्च करने के साथ ही। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों फाइलों को तो कर देना है डिलीट। मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, एक फोल्डर में मैं इसका बैकअप ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इनको डिलीट, और ये पुरानी फाइल जो है ये डिलीट हो गई। अब नई वाली फाइल जो है उनका नाम भी टेलगेटर है। अगर नहीं हो तो भाई जिसको भी डिलीट किया है ना उसका नाम चेंज करके उनका नाम दे देना, तो आपकी गाड़ी जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो गाइस ये इतना ही काम था, रिप्लेस का मेथड जो था बस इतना ही था। अब जो अपना गेम है वो स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि माइकल की जो कार है वो रिप्लेस हुई है या नहीं हुई है। तो अभी अपना गेम जो है वो लोड हो रहा है। तो गाइस यहाँ से अपना गेम जो है वो भी स्टार्ट हो गया है और फ्रैंकलिन के ऊपर आया है। तो अभी हम स्विच करते हैं माइकल के ऊपर और फिर देखेंगे कि कार हमें मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखो गाइस, तो अपनी जो कार है ना वो हमें मिल चुकी है, और ये मर्सिडीज़ आप देख सकते हैं। तो अब ये माइकल की परमानेंट कार हो चुकी है। तो अब कभी भी आपको जो है ना तो ऐड ऑन में जैसा होता है कि आपको स्पॉन करनी पड़ती है या कुछ ऐसा करना है, रिप्लेस में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें डायरेक्ट कार जो है वो रिप्लेस हो जाती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस कि आपको उस कार का नाम पता होना चाहिए, फिर उसकी फाइल जो है अपनी गेम की फाइल में सर्च करना है, उनको डिलीट कर देना है, और जो अपने नया मोड डाउनलोड किया है, जैसे कि आपने ओडी डाउनलोड किया है और आप उसको टेलगेटर से करना चाहते हो, यानी माइकल की कार का नाम है टेलगेटर, तो इससे रिप्लेस करना चाहते हो, तो आपको उस ओडी का जो भी नाम होगा ना तो उसकी तीन फाइल जो होंगी उनको टेलगेटर का ही नाम देना पड़ेगा। यानी कि जो फाइल आप डिलीट करोगे उन्हीं फाइल का नाम उनको देना पड़ेगा, उसके बाद में कार रिप्लेस होती है सेम नाम डालने के बाद में। अगर आप कुछ और मान लो ओडी लिखा हुआ ही आपने डाल दिया तो वो रिप्लेस नहीं होगी, और आपकी जो असली कार है उसके साथ भी दिक्कत हो सकती है।
तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताना, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना एक प्यारा सा। और एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि अगर इस वाली वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स वगैरह आ जाते हैं, खूब सारी कमेंट आती हैं और भाई बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भी आते हैं, तो फिर मैं GTA 5 की सारी कार्स जो हैं वो रिप्लेस करना सिखा दूंगा, और मतलब एक पूरा पैक जो है उसको कैसे रिप्लेस करते हैं वो सब मैं आपको सिखा दूंगा इसी वाले चैनल पे। और तो गाइज जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, तो उसके बाद में हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।